कुसवा नदी पर सत्तीवाला से बुल्लावाला पुल निर्माण की सभी बाधाएं जल्द ही दूर होने वाली हैं। आपको बता दें कि सत्तीवाला से बुल्लावाला पुल निर्माण की मांग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और विश्व बैंक के कई अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जल्द ही पुल निर्माण की बात कही। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने कहा कि बुल्लावाला से सत्तीवाला पुल का निर्माण होने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। ग्रामीण लंबे समय से इस पुल के निर्माण के लिए मांग कर रहे थे, जो पूरी होने जा रही है। वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गौरव सिंह ने बताया कि पुल बन जाने से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को आवाजाही में आसानी होगी और काफी लंबे समय से सभी ने इस पुल को बनाने की मांग की है, जिसका लाभ यहाँ के क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही मिल सकेगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। देखिए, क्षेत्र की जनता की लगातार ये मांग रही है इस पुल को लेकर, बुल्लावाला सत्तीवाला पुल को लेकर। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की घोषणा में भी ये पुल था, जो आज पूरा हो गया है। और मैं इस रूप में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्षेत्र की जनता की ओर से, कि लंबे समय से चल रही जो मांग उन्होंने पूरी की है और जल्द ही यहाँ पर पुल का निर्माण होने जा रहा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत ही बधाई और धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिन्होंने इसमें लंबे समय तक संघर्ष किया। साथ साथ मैं मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने लगातार ये मांग उठा के रखी इस पुल की, सर बुल्लावाला सत्तीवाला पुल की लगातार मांग समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों की मांग सरकार तक पहुँचाई। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। क्षेत्रीय जनता की काफ़ी पुरानी मांग है कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जाके लोगों को घूम के डोईवाला जाना पड़ता था, और अब देहरादून के लिए जैसे दूधली रोड ही इस्तेमाल करते हैं लोग, तो यहाँ के लिए सबसे बेहतर है ये वाली अप्रोच थी कि भाई सीधे सत्तीवाला निकले और वहाँ से देहरादून जाए, तो उससे संभवतः सब पूरे सभी ग्रामवासियों को उसका फायदा होगा।